डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी क्रॉनिक कंडीशन जिसमें ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, बढ़ा रहता है, और उसके लिए आप दवाइयाँ शुरू करते हैं और ये जो है दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग आपको लेनी पड़ती है आपके ब्लड शुगर को एक पर्टिकुलर नॉर्मल लेवल पर रखने के लिए। हम बात कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की। टाइप 2 डायबिटीज़ टाइप 1 से अलग है। टाइप 1 डायबिटीज़ बाई बर्थ होती है, उसमें बॉडी में इंसुलिन नहीं होता है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन होता है, लेट ऑनसेट होता है, एक उम्र के खास उम्र के बाद होती है और उसमें ब्लड शुगर बढ़ा होता है जिसको कंट्रोल करने के लिए आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। तो लोग कहते हैं एलोपैथी में डायबिटीज़ का क्योर नहीं है, लेकिन कुछ दूसरी पैथी वाले कहते हैं कि इसका क्योर है, वो इसको डायबिटीज़ को क्योर करने का दावा करते हैं। तो मेन क्वेश्चन ये है कि डायबिटीज़ क्योरेबल है या नहीं है। लोग कन्फ्यूज्ड हैं कि डायबिटीज़ की ऐसी कोई दवा है जो कि डायबिटीज़ को क्योर कर सकती है। तो हमने सर्च किया, हमने टाइप किया डायबिटीज़ क्योर, जो हमें जवाब मिला वो है देयर इज़ नो क्योर फॉर डायबिटीज़। डायबिटीज़ का कोई भी क्योर नहीं है, यानी ऐसी कोई दवाई नहीं है जो लें और डायबिटीज़ आपकी ठीक हो जाए। हमने एक दूसरी साइड देखा, डायबिटीज़ यूके, ये कहता है कि इज़ देयर अ क्योर फॉर डायबिटीज़ क्वेश्चन मार्क, पूछ रहा है कि क्या डायबिटीज़ का क्योर है। जवाब में कहता है कि देयर इज़न्ट अ क्योर फॉर डायबिटीज़ राइट नाउ, बट आवर साइंटिस्ट अक्रॉस द यूके आर pushing boundaries and taking steps to build a future where diabetes can do no harm. ये साइड भी कहती है कि डायबिटीज़ का क्योर नहीं है, लेकिन ये कहता है कि हमारे साइंटिस्ट इस दिशा में काम कर रहे हैं कि हम एक दिन कुछ ऐसा लेके आए कि डायबिटीज़ या बढ़ा हुआ शुगर आपके शरीर को नुकसान ना करे। ये तो आगे देखने वाली बात है। तो चलिए पहले जानते हैं, जो हम क्योर की बात कर रहे हैं कि डायबिटीज़ का क्योर हो सकता है कि नहीं, ये क्योर का मतलब क्या होता है, क्योर को हम पहले समझते हैं। क्योर का मतलब होता है किसी को कोई तकलीफ़ हुई, हमने उसका एक मेडिसिन का कोर्स किया, दवाइयों से इलाज किया, और जो उसको सिम्टम्स थे, जो उसको लक्षण थे, वो उन दवाइयों से ठीक हो गए और बाद में उसने दवाइयाँ छोड़ दी है, लेकिन वो जो लक्षण है, वो जो सिम्टम्स हैं, उसको वापस नहीं आ रहे। ही इज़ फ्री फ्रॉम दैट डिजीज़। इलाज पिल्स से हो सकता है, यानी टैबलेट्स, दवाइयाँ, मेडिसिन, या इंजेक्शन से हो सकता है, या सर्जरी के द्वारा हो सकता है। ये क्योर कर देती हैं और सिम्टम वापस नहीं आते। कि जैसे एक किसी को फीवर हुआ, छाती में दर्द हो रहा है, वो डॉक्टर के पास गया और उसकी जाँचें हुई, एक्सरे, ब्लड टेस्ट, और उसका ये निकल के आया कि उसको छाती में निमोनिया है, जिसकी वजह से बुखार और छाती में दर्द हो रहा है। अब ये जो निमोनिया है बैक्टीरिया की वजह से है, ये इसका एक कारण पता लग गया। दवाइयाँ शुरू होती हैं, दवाइयाँ शुरू होने के बाद, एक दवाइयों का कोर्स करने के बाद, जो उसको सिम्टम थे, फीवर था, चेस्ट पेन था, वो सबसाइड हो गया, यानी दूर हो गया, उसके लक्षण बीमारी वाले ख़त्म हो गए, अब उसकी दवाइयाँ रुक गई और वो इंसान सिम्टम फ्री है, उसको जो फीवर और चेस्ट पेन वाले लक्षण थे वो वापस नहीं आ रहे। यानी ये कहा जा सकता है कि निमोनिया उसका ठीक हो गया, निमोनिया क्योर हो गया, अब दवाइयाँ रुक गई हैं, ये निमोनिया वापस नहीं आएगा। लेकिन अब दूसरे केस में, डायबिटीज़ वाले केस में देखिए, एक आदमी हेल्दी होता है, फिर टाइम के साथ साथ वो कुछ कंप्लेंट करता है कि उसको प्यास ज़्यादा लग रही है, पेशाब करने उसको ज़्यादा जाना पड़ रहा है। वो डॉक्टर के पास गया, इन्वेस्टिगेट किया, ब्लड टेस्ट किया, तो उसमें ये मिला कि उसका ब्लड शुगर एक नॉर्मल लेवल से बढ़ा हुआ है। तो डॉक्टर्स ने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, शुगर बढ़ा हुआ है, शुगर को डाउन करने का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, दवाइयाँ स्टार्ट की। दवाइयाँ लेने के बाद उसका शुगर का लेवल नॉर्मलाइज हो गया। नॉर्मलाइज होने के बाद जब उसने दवाइयाँ छोड़ी, तो दोबारा से जब उसका इन्वेस्टिगेट किया गया तो शुगर बढ़ गया। तो ये तो क्योर नहीं हुआ, जब तक दवाइयाँ ले रहे थे तब तक शुगर लेवल नॉर्मल था, कंट्रोल्ड था, लेकिन जैसे ही दवाइयाँ बंद की, शुगर लेवल दोबारा से बढ़ गया, सिम्टम्स जो है रीअपीयर कर गए।
तो अब ये डायबिटीज़, इसको तो हम क्योर नहीं कहेंगे, ये डायबिटीज़ का एक रेमिशन फेज था जो कि दवाइयों के ऊपर था, यानी सिम्टम्स जो है कंट्रोल थे। अब ये सिम्टम्स वापस क्यों आ गए डायबिटीज़ में? निमोनिया से कहानी बिल्कुल अलग, लेकिन ये डायबिटीज़ होती क्यों है, इसका क्योर क्यों नहीं है, ये हमें जानने की ज़रूरत है। डायबिटीज़ होने का कारण है कि बॉडी ब्लड शुगर क्यों बढ़ा रही है, बॉडी का ब्लड शुगर का जो बैलेंस है वो डीरेंज क्यों हो गया है। तो इस कारण को हमें समझना पड़ेगा, क्या बॉडी अपने आप को एक होम्योस्टेसिस में लेके आ रही है, वो अडेप्ट कर रही है कि हाई शुगर रखा जाए, बॉडी इस अडेप्टेशन पे आ गई है। तो हम डायबिटीज़ को दवाइयों से क्योर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये कोई एक डिज़ीज़ नहीं है जो कि दो चार दिन में हुई है या दो चार हफ्तों में हुई है, ये कई वर्षों से चली आ रही है और एक ये मेटाबॉलिक डिज़ीज़ है जिसमें बॉडी का मेटाबॉलिज्म काफ़ी वर्षों में लेके गड़बड़ हुआ है और हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड कर रही है इन द फॉर्म ऑफ हाई ब्लड शुगर। तो ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है ये हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से आया हुआ है और लाइफस्टाइल चेंजेस कई सालों से चल रहे हैं। तो जब तक हम अपने लाइफस्टाइल को नहीं बदलेंगे तब तक ये डिज़ीज़ जो उसी का नतीजा है वो कैसे क्योर हो सकता है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस अगर हम देखें तो पिछले 150 ईयर्स से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, डिस्कवरी हुई है, नए नए टेक्नोलॉजीज़ जो आए हुए हैं, नई नई इन्वेंशंस हुई हैं और इन सब टेक्नोलॉजीज़ ने, डिस्कवरीज़ ने, इन्वेंशन ने हमारी जो ज़िंदगी है उसको कंफर्टेबल बनाने में हेल्प। तो ये जो पिछले 150 ईयर से हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है ये सब रिस्पॉन्सिबल है इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए। 100-150 साल पहले जाएं तो डायबिटीज़ एक बहुत ही रेयर डिज़ीज़ हुआ करती थी, जो है किसी 10,000 में से किसी एक को सुनने में आता था कि डायबिटीज़ है, लेकिन आज इसकी जो इंसिडेंस है बहुत हाई है। तो ये जो हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस आया है पिछले 100-150 सालों से ये रिस्पॉन्सिबल है मेटाबॉलिक डिज़ीज़ को पैदा करने। सीडेंट्री लाइफस्टाइल, हम लोग को ज़्यादा मेहनत वाले काम नहीं करते, बॉडी का परिश्रम ज़्यादा नहीं करना, हर चीज़ मैकेनिकल हो गई है, मैकेनिक्स हैं, मशीनें बन गई हैं, तो मसल वर्क हमारा कम रहता है और इसकी वजह से सीडेंट्री लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा रीज़न है फूड हैबिट्स, हमारा खान पान बिल्कुल बदल गया है। पहले जो मोटा अनाज खाया करते थे उसके कंपैरिजन में आज के खान पान में, आज की हमारी डाइटरी हैबिट में बहुत सारे फ़र्क आ चुके हैं। जाइंट फूड इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, रेडी टू मेड खाना है, हम लोग रिफाइंड खाने लगे हैं, हम लोग प्रोसेस्ड खाना खाने लगे हैं, हम लोगों ने शुगर्स की मात्रा अपनी डाइट में बढ़ा दी है। शुगर्स की मात्रा बढ़ा देना ये अब निकल के आ रहा है कि डायबिटीज़ होने का एक बड़ा रीज़न है। प्रिजर्वेटिव्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फूड इंडस्ट्रीज़ हैं ये सब लोग प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करती हैं, जितने सारे टिंड, कैंड, बॉटल्ड फूड आइटम्स हैं, पैक्ड फूड आइटम्स हैं, ये सब प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। तीसरा है, इन सब के अलावा स्ट्रेस फैक्टर, आजकल की दौड़ती भागती ज़िंदगी में स्ट्रेस इतना ज़्यादा है हर इंसान के ऊपर, काम का प्रेशर, काम का दबाव, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का प्रेशर, ज़िंदगी में कुछ करने का प्रेशर, ये एक स्ट्रेस देता है। स्ट्रेस आपके स्ट्रेस हार्मोन को हमेशा बढ़ा के रखता है, कॉर्टिसोल की बात हमने पिछले वीडियो में की थी, एक स्ट्रेस हार्मोन है, कंटिन्यूसली कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है, कंटिन्यूसली जो है बॉडी एक स्ट्रेस में जा रही है और स्ट्रेस वाली कंडीशन को हमारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट वाली कंडीशन के जैसा रिकग्नाइज करती है और उससे बचने के लिए शुगर को बढ़ा के रखती है। ये सीडेंट्री लाइफस्टाइल, फूड हैबिट चेंज जो हमने खान पान में बदल दिया है, स्ट्रेस लेवल, ये सब लेके हमारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम को डिरेंजमेंट कर रहे हैं, एक बैलेंस को डिरेंजमेंट कर रहे हैं, एक जो नॉर्मल होम्योस्टेसिस होता है उसको डिरेंज कर रहे हैं। क्या इसी का नतीजा है कि हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है? हमारी बॉडी इस ब्लड शुगर को बढ़ा के रखती है क्योंकि बॉडी बड़ी स्मार्टली काम कर रही है, कहीं ना कहीं से इसको सिग्नल मिल रहा है कि आप ब्लड शुगर बढ़ा के रखो और इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन हम इस जो बढ़े हुए ब्लड शुगर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यही सिर्फ इलाज है? क्या इससे क्योर होगा? बिल्कुल नहीं हो। जो मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट हुआ है
उसको वापस लेके नहीं आते अपनी जगह पे, अपने नॉर्मल होम्योस्टेसिस पे, जहाँ पे शुगर लेवल नॉर्मल रहता था, वहाँ तक अपनी लाइफस्टाइल को वापस रिवर्स करके नहीं लाते, तब तक शुगर कैसे क्योर होगी? शुगर रिवर्स, यानी बात ऐसी चल रही है कि शुगर को हम क्योर तो नहीं कर सकते, बट शुगर को हम रिवर्स कर सकते हैं वापस जितना नॉर्मल स्टेज पे, जितना नॉर्मल शुगर रहती है उस मेटाबॉलिक स्टेट में हम वापस जाने को रिवर्सल कहते हैं। तो हमने सर्च किया डायबिटीज़ यूके में, अगेन रिवर्सिंग टाइप 2 डायबिटीज़, ये कहती है कि वी डोंट कॉल इट डायबिटीज़ रिवर्सल, ये कहते हैं कि हम डायबिटीज़ को जो वापस अपने लाइफस्टाइल, पुराने लाइफस्टाइल पे चलें और ब्लड शुगर लेवल कम हो जाए, ये कह रहे हैं कि हम उसको डायबिटीज़ रिवर्सल भी नहीं करना चाहते। कारण ये दे रहे हैं कि बिकॉज दिस माइट साउंड लाइक इट इज़ परमानेंट एंड देयर इज़ नो गारंटी दैट योर डायबिटीज़ हैज़ गॉन फॉर एवर। वो ये भी कहते हैं कि जो डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम्स हैं, जो लाइफस्टाइल चेंज करके आप डायबिटीज़ को ठीक करते हैं, वो कहते हैं ये डायबिटीज़ रिवर्सल ऐसा साउंड करता है कि आपने रिवर्सल प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया, आपने अपनी आदतें अच्छी बना ली, तो आपका शुगर हमेशा के लिए चला गया, ऐसा नहीं है। जब तक आप उस लाइफस्टाइल पे अपने आप को मेंटेन करके रखेंगे, तब तक आपका ब्लड शुगर नॉर्मल लेवल पे रहेगा, लेकिन आपने फिर से अगर वही लाइफस्टाइल वापस जिसमें आप पहले जी रहे थे एट द टाइम ऑफ डायबिटीज़, वही लाइफस्टाइल पे वापस आ गए, तो शुगर तो फिर से बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब बॉडी एक रेस्पॉन्स कर रही है, बॉडी बड़ी स्मार्टली रेस्पॉन्स कर रही है ब्लड शुगर को होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए एज पर योर लाइफस्टाइल। तो डायबिटीज़ जो कि एक लाइफस्टाइल वाली डिजीज़ है, लाइफस्टाइल डीरेंजमेंट हुआ उसकी वजह से बॉडी का होम्योस्टेसिस डीरेंजमेंट हुआ, बॉडी एक रेस्पॉन्स दे रही है, और दवाइयों से सिर्फ हम ब्लड शुगर को डाउन करके मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो मेटाबॉलिक डीरेंजमेंट है, उसको ठीक नहीं कर सकते। उसके लिए डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम्स इसलिए रखे गए हैं क्योंकि आपने जो लाइफस्टाइल आपने ऐसा बना दिया कि रिफाइंड खाना, सेडेंटरी लाइफ, स्ट्रेस फैक्टर, ये सब जो आ रहे हैं, इनको हम कम करके वापस एक प्रॉपर होम्योस्टेसिस में अपने शरीर को ला सकें, जो कि ये रेस्पॉन्ड करेगा कि आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होए आपके लाइफस्टाइल चेंज की वजह से। तो ये थी बात डायबिटीज़ क्योर के बारे में कि हम डायबिटीज़ क्योर क्यों नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ इनसाइट मिला होगा, कुछ बातें ऐसी समझ में आई होंगी कि डायबिटीज़ का क्योर क्यों नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक यू, स्टे हेल्दी।